में है एक इंटीग्रेटेड जी फार्मिंग, तो पूरे खेत पे जो है पेड़ लगेंगे और वर्टिकल मल्टी लेयर्ड कल्टीवेशन जाएंगे। राइट सर, तो इसमें जो है मेडिसिनल प्लांट होंगे, सुगंध वाले एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, इसमें हॉर्टिकल्चर मतलब फलदार पेड़ होंगे, और इसमें हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू के फॉडर प्लांट्स होंगे। तो जानवरों के लिए विशेष तौर पे गायों के लिए चारा जो है वो पेड़ों से पैदा किया जाएगा, और इन पेड़ों को की जो हॉरिजेंटल डगालों को काट के इसको वर्टिकली ऊपर ले जाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वर्टिकल कल्टीवेशन के लिए स्पेस मिल सके, नंबर वन। और दूसरा जो है, जब पेड़ ऊपर जाएगा तो उसकी उसको साधने के लिए जड़ों को नीचे जाना पड़ेगा, तो जो चारों तरफ खेत के जो है एक एक्वा ट्रेंच बनी होगी जो कि 10 फीट गहरी होगी, उसका काम जो है ना, एक्वा कल्चर तो है ही है, एक्वा कल्चर से ज्यादा उसका काम है पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना। तो हम 2 या 3 साल में जमीन को 8 या 10 फीट गहराई पर ले जाना तक पानी लाना चाहते हैं वापस, और एक खेत की ट्रंच जो है ना बगल वाले खेत की ट्रंच से जुड़ी होगी बड़े पाइपों के माध्यम से, राइट। और ये पाइप भी मिट्टी के होंगे, इसमें कॉस्ट को कम रखा जाएगा, ठीक है ना। तो पके हुए मिट्टी के पाइप बनाए जाएंगे, राइट, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वहां पे ऐसे IoT डिवाइस होंगे जिससे क्वालिटी कंट्रोल कैप्चर होगी, ठीक है ना। फिर उसके लिए ऐसे पैकेजिंग बनाई जाएगी, जो अवेलेबल है उसको देखा जाएगा, जो नहीं अवेलेबल है इंटरनेशनल क्या क्या चीजें हो रही हैं वो स्टडी की जाएंगी, और फिर इंडियन तरीके से उसे बनाया जाएगा, राइट। उसको लॉक करके उस पर एक QR कोड होगा जिसमें पहली बार फार्मर की आइडेंटिटी, उस खेत की आइडेंटिटी, उस प्लेस की आइडेंटिटी, डेट लोकेशन के साथ लॉक कर दी जाएगी, और उसमें जो क्वालिटी है वो भी आ जाएगी, और जो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज है वो भी आ जाएंगे। एंड दैट विल बी जैसे अमेजन का होता है, ऐसे ही पोर्टल और ऐप के माध्यम से एनीबडी कैन परचेज प्रोडक्ट। यदि किसी को लगता है कि वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छा जो है ना गेहूं पैदा कर रहे हैं या फल बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं, तो दे कैन परचेज फ्रॉम चेन्नई द प्रोडक्ट ऑफ योर खेत, आपके फार्म का जो है ना प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। बैकएंड इंजन जो है उसे 2 MSP से 3 MSP के बीच में डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ग्रेडिंग उसको जो है प्राइस कोट करेगा, और वो जो है ये बीच का सिस्टम जो है ना उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, वहां पे वेयर हाउसिंग होगी, वहां बीच में जो ना होलसेलर और रिटेलर्स भी होंगे, और एक लोकल डिलीवरी मैकेनिज्म भी होगी, तो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से वो चाहे तो होलसेलर या वहां से पिकअप कर सकता है, वो चाहे तो उसके घर के ऊपर डिलीवर हो जाएगा, और उसको कंज्यूमर एंड पे एक बटन दबाएगा तो क्वालिटी टेस्ट करने के लिए भी ये टीम पहुंच जाएगी। तो ये जो है एक सीमलेस पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें आज का जो जहर है उसकी जगह अमृत मिले। जो हमें कह रहे हैं कि हमें समृद्धि लाना है, समृद्धि लाएंगे तभी हम इस तंत्र को बदल पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो वो आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपका शोषण करना चाहते हैं, आपके साथ बदमाशी करना चाहते हैं, समझिए है ना। आपकी बात एक्चुअली का सब, मैं थोड़ा सा यहाँ बीच में डिफरेंस ओपिनियन ये है कि सर वो एग्रीकल्चर का मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, किसी को इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, किसी को एग्रीकल्चर का नॉलेज होगा, किसी को काउ ब्रीडिंग का नॉलेज होगा, किसी को काउ के गौशाला बनाने का नॉलेज होगा, किसी को गोबर खाद का नॉलेज होगा, किसी को मूत्र का नॉलेज होगा, किसी को मंत्र का नॉलेज होगा, किसी को पूजा करने का नॉलेज होगा, किसी को हवन का नॉलेज होगा, किसी को ट्रांसपोर्टेशन का नॉलेज होगा, किसी को जो है ना वेयर हाउसिंग का नॉलेज होगा, किसी को जो है ना रिटेलिंग का नॉलेज होगा, किसी को होलसेलर का नॉलेज होगा, और किसी को लोकल डिलीवरी का नॉलेज होगा। इन सब नॉलेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पहुंचा दिया जाएगा, जिससे जो मिडिल मैन अभी बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं वो बाद में भी पैसा बना पाएंगे, बट बाय कंट्रीब्यूटिंग मोर, अभी वो कम कंट्रीब्यूट करके ज्यादा पैसा कमाना, और वो आज से ज्यादा कमाएंगे लेकिन बाय कंट्रीब्यूटिंग मोर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर वेल्थ, राइट। ऐसा सिस्टम अपन को बनाना है। डिजिटल सिस्टम में सर वो मेंटेन हो जाएगा। या वो डिजिटल सिस्टम ऑलरेडी बन रहा है, कहीं पे उसको बनाने का ऑलरेडी कार्रवाई कर दी है, ठीक है।
जी, चलिए आप इससे जुड़िए, फिर आप जो है ना एक बार अपन पहले आपसे मेरे ख्याल से हम ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा बात करेंगे, ठीक है? चलिए फिर आप जो है ट्रांसपोर्टेशन के जो एलिमेंट्स हैं जैसे पैकेजिंग, तो यदि आपको लगता है कि कोई कॉमोडिटी स्पेसिफिक पैकेजिंग के लिए कोई एक्सपर्ट आपको समझ में आ रहा है तो उसको सोचिए दिमाग में, उसका नाम सजेस्ट करेंगे तो हम उससे पैकेजिंग की बात करेंगे, ठीक है ना? फिर मैं प्रयास करता हूँ अपने जो पुराने और वेल एजुकेटेड ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कई सालों से फ्लीट ऑनर है, आप तो जो है ना एजुकेटेड को भूल जाइए, आप तो जो इसमें रहा है बिजनेस में मुझे उससे उसको ठेठ भाषा में बात करने दीजिए, बहुत अच्छी भाषा लैंग्वेज यदि उसकी अच्छी भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे मेरी बात नहीं समझना है, मुझे उसकी बात समझना है, ठीक है जी? और उसकी बात समझ के हमें सॉल्यूशन डिजाइन करना है जी, जी तो उससे सॉल्यूशन हम डिजाइन नहीं करा रहे हैं, हम सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पूरे काम तो मुझे करना है, राइट? ठीक, समझ गया आपकी बात, बट केवल हमें फील्ड एक्सपीरियंस जीरो ग्राउंड लेवल से उसकी लेना है, वेरी ट्रू, उसकी जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, आइडेंटिटी बढ़ाना है, गड़बड़ी करने की किसी को कोई छूट ही नहीं रहेगी, देयर विल बी नो ऑप्शन टू डू एनी गड़बड़ी, जी जी जी, सिस्टम में लीकेज नहीं होने देना, करेक्ट? राइट वीरेन जी, अपन जो है ना यदि आप तैयारी कर लें तो एक दो दिन में अपन इस पर वीडियो कॉल करेंगे, दो चार दिन और टाइम दीजिए सर, एक दो दिन में नहीं हो पाता तो थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ, आप तीन चार दिन का समय लीजिए, जब तैयार हो जाए तब बात करिए, मैं आपको कॉल करूँ, ठीक? ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।